जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन के भीतर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री को फटकार लगा दी। ये फटकार आरजेडी कोटे से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर को लगी है, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजावता उनकी तरफ इशारा करते हुए उनसे ये पूछ दिया कि कैबिनेट की बातें तो गोपनीय होती है, आपको किसने कहा था कि पब्लिक डोमेन में शिक्षा जो है शिक्षा विभाग के अंतर्गत सातवें चरण की बहाली को लेकर बातें कहनी थी, आपने इन बातों को किस प्रकार सार्वजनिक किया जबकि ये बातें कैबिनेट में गोपनीय होती है। ये जितने भी दिशा निर्देश होते हैं, जितने भी आदेश होते हैं वो गोपनीय होते हैं, जिस पर गहन विचार विमर्श करने की जरूरत होती है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत सातवें चरण की बहाली को लेकर आपने किस प्रकार लोगों को जानकारी दी जो कि हर तरीके से सरासर गलत है, जिसके बाद प्रोफेसर चंद्रशेखर को कुछ बोलते नहीं बना और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गुस्सा चरम सीमा पर था। सदन के भीतर का वीडियो हम आपको दिखाएंगे, देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने मंत्री चंद्रशेखर को फटकार लगाते हुए उन्हें नसीहत दे डाली है। छोड़ जाते इस पूरे वीडियो के साथ। इसके लिए योजना बना करके और लाएंगे। अब एक दिन अखबार में हम देख रहे थे, अब पते नहीं अभी तक आईबे नहीं किया, आया कि भाई भेजे हैं और कहां यही ना है तो भेज दिए थे। हम बता रहे हैं, वो बात बोल रहे हैं, मत खराब मत मानिएगा। इनका आ गया था कि कोई चीज का कोई चीज आ गया था, तो जो कैबिनेट में कोई चीज होता है ना, तो कैबिनेट के में किसी चीज को जो भेजा जाता है डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके बारे में बाहर नहीं कहा जाता है। और कैबिनेट में जाता है और हो जाता है भाई, राष्ट्रीय स्तर पर जो संविधान है उसके मुताबिक एक प्रोविजन है कि उसके बारे में पहले चर्चा रहती है। इनका ऐसे कुछ आ गया था, पूछे थे हम, पूछवाए थे कि मैं कहला आया था, लेकिन अखबार में फिर छपने लगा कि भाई ये चाहते थे, अब हुआ ही नहीं, अब कोई था ही नहीं अभी कैबिनेट में आए थे। तो कोई कोई चीज तो आजकल हम क्या बोले, हमारे सब यहाँ अखबार वाले बैठे हुए, कोई कोई चीज आते रहता है। चिंता मत करिएगा, जो मन करे वो लिखिए, लेकिन हम लोग पढ़ाई को आगे बढ़वाएंगे और इसके लिए शिक्षकों की और बहाली होगी, उनको और ज्यादा देना पड़ेगा तो वो भी हम लोग देंगे, लेकिन सब पढ़ा दे तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं। आज भी आप लोगों ने भी जो कुछ भी कहा तो इन सब चीजों को देखा जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम लोग किसी चीज को भूलते हैं, सबका बात है, तो सबकी बात को सुन करके और देख करके एक एक काम करना है ताकि पढ़ाई भी ज्यादा हो। तब जानते हैं ना कि बिहार में आबादी का क्या